टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y व्हिच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 05 इज। इस कर्व के ऊपर कौन सा पॉइंट 05 के नियरेस्ट होगा वो हमने चेक करना है। सॉल्यूशन देखिए, लेट पॉइंट हम ले रहे हैं, पॉइंट ऑन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y इज, देखिए अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट एक्स लेते हैं तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा। यहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, वाई की। हमारा पॉइंट ये ले लिया हमने एक्स वाई, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स, वाई की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसकी डिस्टेंस 0.5 से, डिस्टेंस हमने नियरेस्ट दिखानी है, मिनिमम दिखानी है। डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0.5, डी से डिनोट किया हमने। डिस्टेंस का फार्मूला एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास बन गई, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5 एंड रूट। ये वैल्यू कैंसिल होगी, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई एक्स की 4 अपॉन 4 प्लस का 25, 5 एक्स स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का 5 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो माइनस के कितने बच गए हमारे पास से 4x स्क्वायर, दिस इज डी। अब डी हमने नियरेस्ट दिखाना, मिनिमम दिखाना है, तो इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर ले लेते हैं इसका, डी स्क्वायर, क्योंकि डी स्क्वायर मिनिमम होगा तो डी भी हमारे पास क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, x की 4 अपॉन 4 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 25, सो डी इज मिनिमम इफ डी स्क्वेयर इज मिनिमम। तो हम इसको डेरिवेटिव लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी स्क्वेयर, इसका हमने डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव अगर आप करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 4x³ अपॉन 4 माइनस का 8x प्लस का 25, 4x³ अपॉन 4 माइनस 8x प्लस 25, 25 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब आप डेरिवेटिव लेंगे। पुट ये हमारा डी स्क्वेयर का डेरिवेटिव है, तो डी स्क्वेयर डेरिवेटिव को हमने क्या पुट कर दिया, 0 के, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू हमारे पास बन गई x³ माइनस 8x। सो क्या होगा, x³ माइनस 8x को अगर हम 0 पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, x³ इज इक्वल टू 8x, x² इज इक्वल टू 8, सो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2√2 हो गई, मतलब दो पॉइंट आ गए हमारे पास, प्लस का 2√2 भी होगा और माइनस का 2√2 भी होगा, ठीक है। अब चेक करना हमने कौन सा पॉइंट होगा, मिनिमम दिखाना है, इसका डबल डेरिवेटिव लीजिए, डी स्क्वेयर का सेकंड डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं, हमारे पास ये वैल्यू थी, ये वैल्यू बन गई हमारे पास 3x² माइनस का 8। अब एट एक्स इजिकल टू पे वैल्यू निकाल लीजिए, डी सेकंड डेरिवेटिव एट एक्स इजिकल टू 2√2, 2√2 पुट करेंगे, 3 इंटू 2√2 का स्क्वेयर माइनस 8, वैल्यू क्या बन गई यहाँ पे, 2√2 8 हो गया, 4 2 8 8 3 24 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 16, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब मिनिमम होगा, सो डी स्क्वेयर इज मिनिमम, डी इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 2√2। अच्छा, हमारे पास दूसरा पॉइंट था वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, डी स्क्वेयर
एक्स इज इक्वल टू माइनस टू रूट टू, यहाँ पे वैल्यू 3 इंटू माइनस टू रूट टू का स्क्वेयर माइनस एट, यहाँ पे भी वैल्यू हमारे पास वही बनेगी 24 माइनस एट इज इक्वल टू 16 विच इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे डी स्क्वेयर इज मिनिमम, दिस इंप्लाइज डी इज मिनिमम, ये भी हमारा क्या हो गया, मिनिमम हो गया एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू रूट टू। तो दोनों पे ही आ रहा है, बट ऑप्शन में अगर हम देखें माइनस टू रूट टू किसी पे नहीं है, तो इससे अगर दिया होता तब हम यहाँ पे वैल्यू लेते, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। अब हमने सिर्फ किस पे चेक करना है, टू रूट टू पे, टू रूट टू पे है हमारे पास, वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। अब एक पॉइंट तो हमारा हो गया एक्स, सो पॉइंट हम निकाल लें, पॉइंट हो गया एक्स एंड एक्स स्क्वेयर अपॉन टू। जब आप एक्स स्क्वेयर अपॉन टू निकालेंगे एक्स की वैल्यू, तो हमारे पास होगी टू रूट टू, और दूसरा हो गया टू रूट टू का स्क्वेयर अपॉन टू, ये वैल्यू हो जाएगी टू रूट टू, ये हो गया 8 अपॉन 2, दैट मीन्स 4। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा था 2 रूट टू 4, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका नियरेस्ट पॉइंट होगा, कौन से करो पे, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2y पे। ये था क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इज, मिनिमम वैल्यू हमने बतानी है। सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, हमारे पास फंक्शन एफ एक्स क्या है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, मिनिमम वैल्यू हमने, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या निकालते थे, एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव करेंगे यू अपॉन वी वाला फार्मूला लगेगा, मीन्स 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, ठीक है, u अपॉन वी, वी स्क्वेयर, वी एज इट इज डी यू अपॉन डी एक्स, एंड देन u एज इट इज डी वी अपॉन डी एक्स, ये होता है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर तो हो गया एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो गया, माइनस 1 प्लस का 2x हो गया। यहाँ पे फिर माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ हो जाएगा, और नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, 1 का 0 हो गया 1 प्लस 2x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 1 प्लस का 2x, x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स प्लस का 2x स्क्वेयर, इसे करेंगे माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस का 2x क्यूब, माइनस यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2x, माइनस x से करेंगे माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर से करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वेयर माइनस 2x क्यूब, एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 2 हो गया। उसको सोल्व करें, ये हमारे पास बन गया माइनस 1, एक्स वाली टर्म हमारे पास ये है माइनस 1 प्लस का एक्स, 2x स्क्वेयर में से प्लस का एक्स स्क्वेयर, एंड प्लस 2x क्यूब, माइनस माइनस का 1, 2x में से x गया, प्लस का x बचेगा, बट यहाँ पे माइनस x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर बचा हुआ है, और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वेयर, माइनस 2x क्यूब है, माइनस माइनस प्लस का 2x क्यूब बन गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 2 हो गई। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस का x हमारे पास जो है वो कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास बन गई, ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2x क्यूब प्लस का बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बन गया माइनस का 2x क्यूब, कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास माइनस एक्स 2x क्यूब, माइनस 2x क्यूब हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या क्या बच गई, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, दैट इज 2x स्क्वेयर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, दिस इज एफ डैश एक्स, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हम 0 पुट करें यहाँ से, उधर जाके 0 हो जाएगा, हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, 2x स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0,
टू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टू, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू होगी वन, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, एक्स की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस वन आ गई। अब इन्होंने मिनिमम वैल्यू पूछा है, दो ही क्रिटिकल पॉइंट होंगे, एफ डैश एक्स ही वैल्यू निकाल के हम देखो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसका डबल डेरिवेटिव लें, जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये वैल्यू और भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा, बट हमें ऑब्जेक्टिव में करना है, हमें पता है मिनिमम वैल्यू इन दोनों में से जो भी होगी वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। हम वैल्यू निकालेंगे एफ ऑफ वन पे, एफ ऑफ वन पे हम वैल्यू निकालें तो वन माइनस वन प्लस वन का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वन प्लस वन प्लस वन का स्क्वेयर, तो ये वैल्यू वन से तो वन कैंसिल होगी, ऊपर वरना वन ये सब वन है तो वन अपॉन थ्री, और दूसरी वैल्यू आप निकाल लीजिए एफ ऑफ माइनस वन एक्स, ये तो वन है, माइनस वन जब आप पुट करोगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का वन एंड माइनस वन का स्क्वेयर प्लस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस वन एंड ये हो जाएगा प्लस का वन, तो ऊपर हो गया हमारे पास थ्री अपॉन वन दैट इज थ्री। अब मिनिमम वैल्यू हमारे पास कौन सी है, वन अपॉन थ्री होगी, तो वन अपॉन थ्री हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी इज द आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन रेज टू पावर वन अपॉन थ्री, एक्स की वैल्यू जीरो और वन के बीच में बिलोंग करती है, इज ए वन अपॉन थ्री की पावर वन अपॉन थ्री, बी वन बाई टू, सी वन एंड डी जीरो। पिछले क्वेश्चन में हमने मिनिमम क्या था, यहाँ पे मैक्सिमम निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन देखें, हमने एफ एक्स कंसिडर किया एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन रेज टू पावर वन अपॉन थ्री। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक्स की वैल्यू जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारा जीरो से लेके वन के बीच में, तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे जीरो एंड वन भी होंगे और इनके बीच में भी हम चेक करेंगे। सो एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स हम निकालें, वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री इंटू पावर आ गई हमारे पास एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन रेज टू पावर वन अपॉन थ्री माइनस वन, ऐसे ही करते हैं हम। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन, ये वैल्यू माइनस टू बाई थ्री, नीचे जाके प्लस का हो जाएगा, सो वन अपॉन थ्री इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन रेज टू पावर टू बाई थ्री। इसका डेरिवेटिव देखिए, इसको अगर मैं अलग से सोल्व करूँ तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन है, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे टू एक्स माइनस वन हो जाएगा, सो यहाँ पे हो गया हमारे पास टू एक्स माइनस वन। नाउ पुट एफ डैश एक्स को हमने क्या पुट कर दिया, जीरो, यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, ये वैल्यू उधर जाके जीरो हो जाएगी, सो टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, वन बाई टू। तो तीन पॉइंट आ गए हमारे पास क्रिटिकल, जो पॉइंट हैं क्रिटिकल पॉइंट्स वो हमारे पास क्या क्या हो गए, जीरो हो गया, वन बाई टू हो गया एंड वन हो गया। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारे पास एफ एक्स हमारा ये है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हम रखें एफ ऑफ जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो इंटू जीरो माइनस वन प्लस वन की पावर वन अपॉन क्यूब, ये तो जीरो ही हो गया, सो दिस इज वन। एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू अगर हम पुट करें, एफ ऑफ वन बाई टू मीन्स वन बाई टू, वन बाई टू माइनस वन प्लस का वन की पावर वन बाई थ्री, ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, वन बाई टू इंटू वन बाई टू माइनस वन, माइनस का वन बाई टू, माइनस वन बाई टू प्लस वन रेज टू पावर वन अपॉन थ्री, ये बन गया हमारे पास माइनस का वन अपॉन फोर प्लस वन की पावर वन अपॉन थ्री, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास क्या बन गया, थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर की पावर वन अपॉन थ्री, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये लेस देन वन है, वैसे ही लेस देन वन, और फिर उसका क्यूब रूट लेंगे तो और भी छोटी वैल्यू हो जाएगी। x इज इक्वल टू वन अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास f ऑफ वन जो बनेगा, यहाँ पे पुट करेंगे सो वन इंटू वन माइनस वन प्लस वन की पावर वन अपॉन क्यूब, ये जीरो हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, वन की पावर वन अपॉन क्यूब मीन्स वन हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कौन सी हुई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन है वन, तो हमारा ऑप्शन कौन सा बन गया, सी ऑप्शन इज राइट आंसर।
ये आपकी एक्सरसाइज 6.5 का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान क्वेश्चन थे सभी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक।